सी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज पर्सनली आई कैन से कि जो शिमला की ब्यूटी है आई केम टू नो कि वो सब दिखाई गई है और एब्सोल्युटली बहुत फेबुलस फिल्म बनी है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और जैसे कि कहते हैं इसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो 65 ईयर ऑफ एज के बाद उन्होंने डेब्यू किया है, सो यस ऑफ कोर्स वेरी गियर्ड अप टू सी द मूवी। कहते हैं कि जब पैशन होता है ना किसी भी काम को आप करते हैं और पैशन से करते हैं तो वो बहुत अच्छा ही होता है। तो ये राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, आई थिंक प्रोड्यूसर भी हैं, तो फिल्म तो बहुत अच्छी है ही है। और एक बार देखते हैं तो फिर रिव्यू करेंगे कैसी है वो। थैंक यू सर। ऑनेस्टली मैं उतना एक्साइटेड हूँ जितना योगेश जी खुद हैं। यू नो इट्स ही इज़ हैड अ फिनोमिनल जर्नी फ्रॉम अ टेक्नोक्रैट बिच पिलानी पास आउट आई थिंक इफ आई एम नॉट श्योर या बट ही इज समवन हूज बिल्ट a real estate empire on his own and then suddenly moved into motion pictures because he had a passion for it. So it takes a lot of effort, lot of courage, lot of commitment, lot of passion to create what he has created. Winter Tales in Shimla is something which is as exciting as Yogeshji's journey. So I'm looking forward. I'm sure whatever he would have created must have been a masterpiece. Thank you, sir. Thank you. Yeah, I'm really looking forward to this. Gauri is a part of this. Gauri is a close friend and we've come to support Gauri and obviously Parul. So it makes it even more special. Haji? योगेश जी से मैं मिला नहीं हूँ अभी तक, लेकिन जितना भी मैंने ट्रेलर देखा है तो मुझे लग रहा है कि बहुत सेंसिटिव और इमोशनल आदमी है एंड ही इज़ गिवन इट हिज बेस्ट। सो नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म सो दैट मुझे पता चले कि असली में वो कैसे हैं एंड देन उनसे मिलना होगा। जी हाँ, मेरी अभी इंस्पेक्टर अविनाश आ रही है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, वेटिंग फॉर दैट। नीरज पाठक सर की है, रणदीप है, मैं हूँ, अभिमन्यु सिंह है, अमित सियाल है, उर्वशी रावटेला है। सो एक वो है, एक मंडली है, एक बगावत है, तो तीन चार प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं। आई एम वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू। बहुत ही एक्साइटेड है बिकॉज ये मूवी को शूट करने में भी हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया था एंड इट वाज अ फन फन जर्नी ऑल टुगेदर, सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड। Well, it was a lovely experience. I've known Mr. Verma for 5 years, first as a theatre actor, and to work with him and to see what he's created and to have the privilege of working with him as a director will be an experience I will always remember, and it was an honor to be working on this film. Yogesh sir was like fantastic director, very smooth sail, like aisa nahi ki the pressure hai, the story, the way he was explaining things was very fantastic. Oh no, the writing, the script writing was spectacular. The characters all had their unique way of guiding the story, so it was more of a story, it's a journey for all of us, and again honored to be part of this. Thank you. हाय, मेरा नाम राम अवाना है और मैंने काफ़ी फिल्में और काफ़ी सीरियल्स में काम किया है, लोगों ने देखे होंगे। ये फिल्म शिमला बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और इसकी हम लोगों ने शूटिंग भी शिमला में ही की थी और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। मेरा इसमें जो कैरेक्टर है वो हलदार सुरेंद्र का है जो दीपराज राणा जी के साथ में है। सुरेंद्र जो एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने मालिक के लिए तो बहुत वफादार है लेकिन बाकी लोग उसके घर में जो लोग हैं वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते ज़्यादा, तो जो गौरी प्रधान और उनकी बेटी कुछ बात करते हैं तो रुक जाते हैं, किसी सामने बात मत करो, ये सर को बता देंगे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है काफ़ी, तो होप आप इन्जॉय करेंगे ये। मेरा नाम मनु मलिक है, मैंने बहुत सीरियल्स किए हैं, फिल्म्स भी की हैं, कुछ वेब सीरीज़ की। मेरा इसमें रोल है SSP धालीवाल का, तो धालीवाल जो क्या है वो बहुत एक जुगाड़ू आदमी है, तो ये पॉलिटिशियंस और अपने पुलिस वालों के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है, तो वही सब
किस तरह से उनको मिलता है और कैसे चीज़ें काम करवाता है अपने वो सब। आई होप यू एंजॉय, प्लीज़ देखिए और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे, ट्रस्ट मी। बहुत प्यार से बनाई है सर ने, बहुत हमारे योगेश जी, हम सब ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। थैंक यू। समर में विंटर टेल सो इट्स लाइक ठंडक, बहुत वेरी ठंडक है इन द समर। एंड वी वेल ऑल द बेस्ट टू गौरी, जितेन एंड ऑल द कास्ट एंड क्रू, दीपराज एंड ऑल द कास्ट एंड क्रू। आई एम श्योर इट्स बी गुड मूवी टू वॉच, इट बी लाइक वी विल ग्लूड टू द सीट एंड ऑल द बेस्ट, नो सक्सेस टू देम। वेल मैंने अभी हाल में योगेश जी से मिली, ही इज अ वेरी सॉर्टेड पर्सन एंड आई थिंक इज अ गुड डायरेक्शन दैट ही हैज डन, एंड आई स्टिल हैव टू वॉच द फिल्म, सो लेट मी वॉच द फिल्म टू से एनीथिंग मोर अबाउट इट, बट इन दिस समर आई नीड दिस विंटर एंड दैट्स इन शिमला, दैट्स व्हाट वी वांट, एंड आई थिंक इज अ थ्रिलर, सो आई हैव ऑलरेडी गूज़बम्प्स, सो लेट्स सी हाउ दैट, आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबॉडी, फन टू वॉच द थ्रिलर मूवी, सो इन द इन समर्स एंड द विंटर टेल्स विल बी फन आल्सो। जो पैसा इन्होंने कमाया वो सारा इस मूवी प्रोजेक्ट में लगा दिया है। योगेश जी की हिम्मत है कि जॉब पूरा करने के बाद ये फिल्म का लिए सोचा, बनाई, रिलीज किया और आज पीवीआर हम सब लोग इकट्ठे हैं। मुझे वो दिन याद है जब हम शिमला में शूटिंग कर रहे थे तो सर ने, ऐसा कोई भी नहीं था क्रू या एक्टर जिनको किसी भी तरह की कोई शिकायत हुई थी, बहुत ही भले इंसान और बहुत ही तबीयत से इन्होंने मन से काम किया प्रोजेक्ट पे, और मुझे इस बात की उम्मीद है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना है, ऑडियंस इसको पसंद करेगी और लोग आएंगे देखने के लिए। अब आप लोगों का सहयोग चाहिए और ऑडियंस से दुआ करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आएँ हमारी वो फिल्म को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, दुनिया में अपना नाम रखते हैं एज अ हेपेटोलॉजिस्ट, ठीक बोल रहा हूँ, हेपेटोलॉजी। तो ज़िंदगी में पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे कहीं मिले तो एक कैरेक्टर जैसे मुझे लगे, मैं इनसे पर्सनली इनको जानता था तो मैंने अनुरोध किया, मैंने कहा आप एक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का रोल करना है, तो इनके फैमिली ये पुलिस फैमिली से हैं, ऑल्दो डॉक्टर हैं लेकिन सारी ज़िंदगी पुलिस फैमिली, पुलिस बिहेवियर देखा है, तो डॉक्टर साहब मान गए। तो इस वजह से हिंदुस्तान में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन खूब इस फिल्म को आगे बढ़ा रही है, वो एडवांटेज मुझे उस समय पता नहीं लगा था कि डॉक्टर साहब को लेने का ये एडवांटेज होगा कि हिंदुस्तान का हर डॉक्टर तो पिक्चर देखेगा देखेगा। तो डॉक्टर साहब कुछ बोलिए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मैं क्या बताऊँ, मैंने जब यस बोली थी तो सिर्फ इसलिए यस बोली कि मैं देखना चाहता था फिल्में बनती कैसे हैं, मैं एक्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये तो योगेश जी बताएंगे और जो आप देखेंगे आप लोग तो बताएंगे कि जो भी छोटा सा रोल मेरा है वो मैंने सही निभाया है या नहीं। लेकिन इनके साथ रह के पूरी फिल्मिंग देख के ये पता चला कि जो हम पर्दे पे देखते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, वो वाकई में बड़ी आसानी से हम लोग किसी भी पिक्चर को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं बिना ये जान के कि उसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी लोगों की मेहनत लगी हुई है।
ये मुझे तो बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे कि आप किसी का आप अब कोरोना काल में आपने किसी का हम लोग डॉक्टर्स ने किसी को ठीक कर दिया तो लगता है चार गोलियां दी और वो ठीक हो गए, ये नहीं पता चलता कि कितनी रातें हमने उस मरीज के बारे में सोच के काटी हैं और कितनी मेहनत करी और कैसे करी। बट इट वॉज फन, इट वॉज प्लेजर इन सब एक्ट्रेसेस और एक्टर्स से मिलके मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं कभी इस माहौल में रहा नहीं, कभी मैंने किया नहीं, लेकिन हाँ सीखा बहुत। और योगेश जी जैसे अगर साथी हों तो क्यों नहीं कोई इंसान सीखेगा। थैंक यू सो मच।